तो एक ही पैटर्न में सवाल पूछा गया है इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन में लेकर और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल को लेकर उस लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि उसको 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखो लेट अस सी वन ऑफ द क्वेश्चन वॉट सेज इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी वन इन विच इट मेक्स अस फील प्राउड of it in the number of festivals that we celebrate so now try to understand that it is speaking about the festival land of diversity then it speaks about festivals right write an article in 150 to 200 words on title is already given you are fortunate here festivals of india and that is in single inverted comma on the basis of input given below. In other words, you have to write, you are Mitali Burman. I told you, if you remember, that I told you that it will be in the third person's name. It will not be your name. So they have given that your name, imagine, is Mitali Burman. It means what? At the end of the article, you will write, मितली बामन बाय मितली बामन राइट ना इट्स इज बिलो आर दर्बल इनपुट गिवन आपको नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं वर्बल इनपुट कार्ड क्या है कुछ हिंट कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं क्या गाइडलाइन इंडिया इज ए लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी राइट कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या अब देखिए हम में से कुछ लोग डाइवर्सिटी का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और जब नहीं समझेंगे तो हमारी दिक्कतें कुछ हो जाएंगी शुरू हो जाएंगी राइट हियर आई वुड लाइक टू वॉर्न यू मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यदि हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें अपना शब्द भंडार बढ़ाना होगा और शब्द भंडार बढ़ाना उतना कठिन नहीं है हम में से जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी भाषी हैं या छत्तीसगढ़ी भाषी हैं कितने लोगों ने हर शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश की है या कोशिश से मेरा मर्थ कि उन्होंने किताब देखी हो डिक्शनरी खोली हो और छत्तीसगढ़ी शब्दों का उपयोग करने के पहले डिक्शनरी देखी हो या हिंदी भाषा का उपयोग करने के पहले उनके शब्द कठिन शब्दों की डिक्शनरी देखी है? नहीं हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ समझ जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है इन अदर वर्ड प्रैक्टिस यदि अंग्रेजी में भी हम बार बार पढ़ें कुछ आर्टिकल्स रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ाएं रीडिंग हैबिट बढ़ाएं तो निश्चित रूप से देर विल बी वेरी फ्यू वर्ड्स दैट यू विल फाइंड डिफिकल्ट एट योर लेवल क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी आपके ही स्तर का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं रिमेंबर दे वॉन्ट टू टेस्ट नॉट वॉट यू डू नॉट नो बट दे वॉन्ट टू टेस्ट वॉट यू नो ये लोग वो टेस्ट नहीं करना चाहते कि आप क्या नहीं जानते ये लोग वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं दूसरे शब्दों में आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार हो सिंपल डे टू डे लाइफ के शब्द दैट इज इनफ अब डाइवर्सिटी वर्ड आपको थोड़ा सा लगेगा डायवर्सिटी मतलब विविधता कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब सांस्कृतिक विविधता इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल डाइवर्सिटी इस बिंदु पर आपको तीन चार लाइन लिखनी है दूसरा बिंदु क्या है नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड सेलिब्रेट करना आप सब जानते हैं सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी सेलिब्रेशन रिजल्ट सेलिब्रेशन आप लोग बहुत यूज करते हैं तो टू सेलिब्रेट मतलब मनाना तो यहाँ पर भारत में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं तो आपको इसमें क्या बोलना होगा फिर तीन चार लाइनें जिसमें आपको त्यौहारों के नाम किस किस क्षेत्रों में वो त्यौहार होते हैं और बन सका तो कुछ त्यौहारों के बारे में कि वो क्यों मनाया जाता है ओणम पोंगल क्यों मनाया जाता है ओणम पोंगल का नॉर्थ इंडिया में जो फेस्टिवल है उससे कुछ ताल्लुकात है क्या मकर संक्रांति उससे जुड़ा हुआ है क्या किस रूप में कॉमन क्या है तो ऐसा कुछ आपको दूसरा जो पॉइंट है नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड तो दैट डज नॉट मीन कि आप सिंपल लिख दें कि भारत में सत्रह फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं या पच्चीस होते हैं नो इट मींस इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड लाइक सो 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 द नेक्स्ट इज थर्ड इनपुट इज ये करता क्या ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं तो पहला क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी दूसरा कौन कौन से फेस्टिवल्स और कहाँ कहाँ कैसे तीसरा हम क्यों मनाते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है मकर संक्रांति मैंने मनाई या कोई सा भी त्यौहार मैं मनाता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होता है उससे क्या निकलता है फसल कटी नई फसल आनी आई नई फसल कट के आई उसको चिलिव, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं पर इसके परिणाम क्या होते हैं तो थर्ड इनपुट इज एनर्जाइजेज एंड सर्व एज ए रेस्पाइट आर ई एस पी आई टी ई अब देखिए एक शब्द यहां फिर आ गया रेस्पाइट रेस्पाइट मतलब क्या होता और एनर्जाइजेज एनर्जी नहीं लिखा है आप जल्दी से ना पढ़ें एनर्जाइजेज एंड सर्व एज ए रिस्पाइट सर्व करना मतलब पेश करना सर्व फूड यू मस्ट सर्व मी आई मस्ट सर्व माई बॉसेस इसका अर्थ किसी सर्व करना मतलब किसी की सेवा करना पेश करना ही सर्व मी डिनर उसने मुझे डिनर से फिर उसके बाद सेवा की सो so, एनर्जाइजेज मतलब हमें वह नई एनर्जी देता है और सर्व एज ए रेस्पाइट और आराम देता है रिस्पाइट यानी कुछ समय के लिए आराम आराम किस चीज़ से क्या आराम चाहिए यह आपको समझना होगा जानना होगा त्योहारों के बारे में दूसरे शब्दों में आपको त्योहारों के बारे में कुछ जानकारियाँ होना चाहिए केवल हम होली मनाते हैं बस वहाँ रंग ले गए और उसको मना लिया पानी गिरा लिया और कलर गिरा लिया ये होली नहीं है उसके पीछे की ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उसके परिणाम ये जानना जरूरी होता है एंड फोर्थ इज़ फोर्थ इनपुट इज यूनिवर्सल पीस विश्व शांति इन चार बिंदुओं को लेकर आपको एक आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल का शीर्षक भी बता दिया इन्होंने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी फेस्टिवल्स को बेसिक केंद्र बिंदु मानते हुए आपको अपने विचार रखने हैं सो लेट्स सी हाउ इट इज रिटर्न फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बाय मिताली बर्मन राइट मैं पूरा डिटेल पे नहीं जाऊंगा केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि इस इनपुट के आधार पर हमारा जो पहला जो इनपुट था उस पर हम क्या लिख सकते हैं जैसा इसमें कहा है कि इट्स नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सो रिच डाइवर्सिटी डायवर्सिटी मैंने मतलब क्या हुआ मैंने बताया था डायवर्सिटी मतलब विविधता दुनिया के किसी देश में इतनी विविधता नहीं है जितनी भारत में है इट्स ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी और इसीलिए इंडिया इज द लैंड ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी विविधता में एकता का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल या आप इस लाइन को अपने निबंध में अपने इस आर्टिकल में लिख सकते हैं दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी विविधता किस चीज की है आप देखेंगे हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी भी बहुत सारी विविधता है कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र हैं कहीं पठार ही पठार हैं कई कुछ जमीनें मैदानी हैं भारत का नक्शा आप देखिए मैदानी ज़मीन है कई जगह नदियाँ नदियाँ का अंबार है फिर वहाँ से उत्तर में हिमालय है एक तरफ मरुस्थल भी है एक तरफ बहुत ज़्यादा डैम्प बहुत ज़्यादा नमी वाली भूमि भी है बंगाल में एक तरफ बहुत बढ़िया मैदान है जहाँ पर काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है तो सभी तरह की विविधता है भौगोलिक लेकिन केवल भौगोलिक विविधता नहीं है हमारे यहाँ दिखने की भी विविधता है दक्षिण के लोग उत्तर की तुलना में अलग दिखाई देते हैं पश्चिमी हिस्से के लोग पूर्वी हिस्से से अलग दिखाई देते हैं उसके अलावा भाषाएं भी अलग अलग हैं उस भाषाओं की तो कोई संख्या नहीं है भरमार है हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है क्षेत्र के अंदर के सब क्षेत्र की भी अपनी भाषा है हम लोग हिंदी पंजाबी मराठी गुजराती तेलुगु तमिल तो जानते हैं पर क्या हमने ये भी सोचा है कि कोई एक भाषा बुंदेलखंडी भी है एक भाषा रुहैली भी है छत्तीसगढ़ भाषा अभी जाके मान्यता प्राप्त भाषा की तरह एक उभर कर सामने आई है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं खासकर आदिवासी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो इस प्रकार वी हैव वैरायटी इन लैंग्वेज वेराइटी इन अपीयरेंस जोग्रफिकल वैरायटी एंड ऑल्सो कास्ट एंड और किस किस में वैरायटी है ये आपको लिखना है कपड़ों में वैरायटी है उत्तर भारतीय के कपड़े दक्षिण भारतीयों के कपड़ों से देखिए और विभिन्न प्रांतों के जो झांकियां निकलती हैं 26 जनवरी को उसमें जो अपने अपने कपड़े पहन के रहते हैं विभिन्न त्योहारों में जो अपने अपने तरीके के कपड़े पहन के आते हैं वो भी कितनी वैरायटी है इफ़ यू रिकॉल आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ उनका स्वागत होता है तो वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े से स्वागत होता है ट्रेडिशनल ड्रेस उनको पहनाई जाती कई जगह वो टर्बन पहनते हैं कई जगह साफा पहनते हैं कई जगह वो एक तरह की टोपी कई जगह हैट कई जगह लॉन्ग रो ये सब क्या है दे आर ऑल वेरायटी सो वाट आर द वराइटीज वी इंडिया इज लैंड ऑफ रिच डाइवर्सिटी ये आपका इनपुट था उसमें यही बात तो लिखनी है और उसके साथ ही भोजन में तो है ही वैरायटी। छत्तीसगढ़ के हम लोग जहाँ चावल खाते हैं मूल रूप से और वो भी बोरे बोरेबासी के रूप में खाने का विशेष शौक रखते हैं उत्तर भारत में चावल को दूसरे रूप में खाते हैं और दक्षिण भारत में चावल को इडली डोसा इस रूप में खाते हैं पंजाब में तो चावल बहुत कम खाया जाता है वहाँ के मूल जो अनाज है वह गेहूँ है इन अदर वर्ड आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच डाइवर्सिटी इन मैनी रिस्पेक्ट यू हैव टू राइट दैट वॉट इज द सेकेंड पॉइंट द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द नंबर ऑफ फेस्टिवल्स बट उसके बारे में हमको ये भी बताना होगा कि हमारे यहाँ इतनी विविधता के कारण अब इसको जोड़ना होगा आपको पॉइंट नंबर वन से इतनी विविधता के कारण उतने ही फेस्टिवल्स हैं उतने ही फेयर्स हैं मेले लगते हैं फेयर्स फेस्टिवल इन फैक्ट रिच कल्चरल हेरिटेज इज द बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग इट्स पीपल ऐसा कई लोग का कहना रहता है कि इतनी विविधता से आप लोगों को एकता लाने में दिक्कत होगी नहीं भारत का इतिहास तो ऐसा कहता है दैट बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी वी स्टैंड यूनाइटेड वी स्टैंड टुगेदर वी स्टैंड एज वन वी स्टैंड एज यूनिटी सो द सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू मैंशन द फेस्टिवल द काइंड ऑफ फेस्टिवल विब्रेट यू स्टार्ट राइट फ्राम समर टाइम क्योंकि समर के बाद जब बरसात आती है तब कुछ फेस्टिवलों का दौर शुरू होता है उसमें धार्मिक फेस्टिवल हैं उसके अलावा कुछ राजनैतिक भी हैं उसके अतिरिक्त कुछ अपने अपने संस्कार के भी अपने अपने संस्कृति के भी फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल की झड़ी लग जाती है अगस्त आते आते राखी के बाद से फिर दिवाली दशहरा और न जाने कितने क्रिश्चियन लोगों के फेस्टिवल पंजाबियों के फेस्टिवल सब बैसाखी हर तरह के फेस्टिवल हर क्षेत्रों में होते हैं so, तो आपको यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ देम एंड मे हैव टू डिस्क्राइब इन टू थ्री लाइंस अबाउट टू और थ्री फेस्टिवल्स ऑफ देम थर्ड पॉइंट दैटन आउट हियर इज हाउ इट हाउ इट एनर्जाइजिस एंड हाउ इट सर्व हम क्यों मनाते हैं इसलिए मनाते हैं कि इसी बहाने हमें नई ताकत मिलती है नई ऊर्जा मिलती है दिवाली में हम क्या करते हैं हिंदू धर्म में जहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली मनाते हैं यूपी बिहार मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट में वहाँ पर दिवाली के समय पूरे घर की सफाई होती है पूरी सफाई की जाती है राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस टू द टोटल हाउस एवरीथिंग इज क्लीन इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स क्लोथ एंड एवरीथिंग तो ये हमारे मकान को एक फेस लिफ्ट देता है इट गिव न्यू लुक टू अवर हाउस इट मेक्स अस फील फ्रेश इट एनर्जाइजेड इट हेल्प अस इट कीपिंग हाउस हाउस हाइजीनिक मोर क्लीन इन अदर वर्ल्ड इट एनर्जाइजेड एंड हाउ डज इट सब ऐसा करने से क्या होता है त्योहार मनाने से क्या दिवाली का त्यौहार केवल हिंदू ही मनाता है नहीं सब लोग मनाते हैं सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं क्या क्रिसमस केवल क्रिश्चियंस ही मनाते हैं या ईद ईद का आनंद तो सभी लोग लेते हैं डोंट यू टेक नॉन वेज दो यू टेक नॉन वेज दे लुक फॉरवर्ड टू ईद फेस्टिवल सिमिलरली क्रिसमस फेस्टिवल ऑल ऑफ अस आर वेरी फंड ऑफ क्रिसमस ट्री एंड सेंटा क्लॉज क्रिश्चियंस लोग जितना सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं उतना ही हम भी करते हैं और सेंटा क्लॉज हमारे बच्चों के लिए उतना ही प्यारा है हिंदू धर्म हिंदू भाषी के लिए जितना कि वो क्रिश्चियंस लोगों के लिए ईसाई लोगों के लिए सो वॉट हैपन्स इट हेल्प्स इट सर्व अस आवर यूनिटी इट सर्व अस नो काइंड ऑफ एनर्जाइजेज एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स अस ए बिट ऑफ रेस्ट दिवाली फेस्टिवल और ये सब आता है उसके बाद जो फ़सल की कटाई होती है और भी जो भी चीज़ होती है उसके बाद एक आराम रहता है छुट्टियाँ रहती हैं ये छुट्टियों का समय रहता है और हम इस समय में त्यौहार मनाने के साथ साथ वी गो टू अवर रिलेटिव हाउस स्पेंड ए डे और टू वी इन्जॉय हॉलीडे बाई गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस पिकनिक इस्पॉट्स and get a change, change with the family, with our friends and so on and so forth. So what I mean is कि ये जो सारी चीजें हैं, ये हमको cultural unity के साथ साथ एक bonding देती है, एक एकता देती है, and that is the typical

कॉमन फेस्टिवल, दे आर नो मोर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स और हिंदू फेस्टिवल्स और एनीथिंग जितनी तैयारी दिवाली की एक हिंदू घर में होती है उतनी ही तैयारी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं जितनी तैयारी क्रिसमस की एक क्रिश्चियन के यहाँ होती है उतनी ही हिंदू के यहाँ करते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ सो दिस इज एंड लास्ट इज़ यूनिवर्सल पीस ये सब के बाद चौथा इनपुट जो आपको कहा गया वॉट इज़ द फोर्थ इनपुट यूनिवर्सल पीस विश्व शांति के लिए फ़ायदेमंद है कैसे इट ब्रिंग्स पीस इट गिव्स अस टाइम फॉर लेजर इट गिव्स अस टाइम टू थिंक इट मेक्स अस लुक इन वर्ड फॉर एल हमको समय मिलता है कि थोड़ा अपने अंदर देखें एंड सो ऑन सो फोर सो विद दिस ये चार इनपुट के साथ इस क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनने के बाद इस चार इनपुट के साथ आपका ये जो टॉपिक है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया दैट एंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड that you have to write in 150 180 words and that name will be what is given by the board by the examiner and at the same time there will be few inputs aapko kuch hint diya jayega char hint diye the us hint ke pe likhna hai. Kya hai i again caution you this is possible you can write good article only if you have good collection of words in your mind Okay, so with this exercise one on article writing gets over.